दोस्तों यदि आप लोग भी क्लास टेंथ से 2024 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले आपका सेंटअप एग्जाम होता है और सेंटअप एग्जाम का जो अभी इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसका सिल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूँ मैं आपको बता दूँ अभी के इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊँगा क्योंकि जितना भी आपका इंग्लिश के साथ में जितना भी ऑल सब्जेक्ट बचा हुआ है उन सभी का मैंने ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव का आंसर की करवा दिया है जो कि चैनल पर वीडियो डाला गया आप लोग चैनल पर जाके विजिट

तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देखना जो आपका सेशन बी में मिलता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है ना यहाँ पर जो है ना लाइन दिया गया ठीक है देखिए यह पैराग्राफ दिया जाता है जैसे कि पहला यहाँ पर आपको बोला गया पहला क्वेश्चन में कि क्लिट द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड एंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो यानी कि आपको क्या करना है ये सभी जो पैराग्राफ दिया गया आप यहाँ पर देखना ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पैराग्राफ दिया गया लाइन दिया गया आपको ना इन सभी में से आंसर सटीक जो होगा ढूंढ

तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो क्वेश्चन मिला देखो यहाँ से क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन से यहाँ से दिया देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाइएगा ना आप तो आपको एक नंबर मिलेगा ठीक है और ये सामने वाला बनाइएगा तो आपको दो नंबर मिलेगा एंड यहाँ पर देखिए ये प्रश्न अगर आप बना दीजिएगा तीन नंबर वाला तो इसके लिए आपको दो मार्क्स मिलेगा एंड आगे वाला प्रश्न देखिए ये चार नंबर बना दीजिएगा तो आपको चार नंबर मिलेगा दो नंबर मिलेगा यानी टोटल यहाँ पर सात नंबर मिलने वाला ठीक है ये सभी का आंसर जो है ना उसी पैराग्राफ में दिया गया है तो आपको पैराग्राफ देखना है ऊपर वाला और उसी से निकालना है ठीक है तो मेन से भी का उत्तर आपको आगे बताने वाला हूँ तो आप यहाँ पर देखना आठवा दिया और मतलब क्या होता है आठवा हिंदी में लिखा जाता है ना आठवा होता है तो पैरा बच्चों आठवां में जो क्वेश्चन दया रहता है तो आप चाहो तो इसको बना लो या आठवां वाला को तो एक किसी को छोड़ना है तो मैं ना ऊपर वाला को बना रहा हूँ तो नीचे वाला छोड़ दूंगा वैसे दिखा देता हूँ ये आठवां में है अगर आपसे बनता है तो आप इसको भी बना सकते हो किसी एक को ही बनाना हो तो ठीक है आठवां में मिला तो किसी एक को बनाइए तो देख लीजिएगा आठवां में ये है तो मैं इसका नहीं बनाना है बलाऊँ बट सेम उसी प्रकार से ये भी है इसमें भी पैराग्राफ जो भी देखे हो ना ऊपर जस्ट ये पैराग्राफ इन सभी पैरा पेड़ा, यही पैराग्राफ जो है ना इसी पैराग्राफ आप से आपको उत्तर लिखना है किसका देख करके तो इसका ठीक है तो इन सभी प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है ठीक है तो सेम इसी प्रकार से सात नंबर का ये भी टोटल है ठीक है तो आपको ये समझ में आ गया कि क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आगे देखिए पहला का खत्म हो गया ना तो आप दूसरा का सेम उसी टाइप से क्वेश्चन आया है देखिए पूछा क्या गया रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड एंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो यानी कि आपको ना सिर्फ ये लाइन वगैरह जो से यहाँ तक दिया गया ना पूरा इन सभी को क्या करना है पढ़ लेना है सही से और जो सटीक उत्तर होगा आपको देख ही सिर्फ लिखना है कि टोटल जो है ना कितना मार्क्स हो जाएगा तो आपको बता दूं मैं आपको आगे दिखाऊंगा बैठ से ये दिखा देता हूं इन सभी को देखना है और यहां तक लाइन दिया गया इन सभी में से जो ये प्रश्न दिया गया इन सभी प्रश्नों का इन सभी में से ढूंढ लेना है ठीक है ढूंढ लेना है और देखो प्रश्न जो आपसे पूछा गया ना, यहां पर पूछा गया आप लोग देख लेना वो सभी पैराग्राफ से देखना है और ये यहाँ से क्वेश्चन यहां तक दिया गया टोटल सात नंबर का ये भी है तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न का उत्तर आप बना दोगे ना देख करके उसी लाइन से तो आपको दो मार्क्स मिल जाएगा और दूसरा नंबर ये प्रश्न रहा इसका बना दोगे तो दो मार्क्स मिल जाएगा एंड देखो तीसरा क्वेश्चन ये रहा इसका बना दोगे तो आपको जो है दो मार्क्स मिलेगा एंड ये रहा लास्ट क्वेश्चन इसका बनाओगे तो एक नंबर मिलेगा तो टोटल इन सभी में से ही बनाना है ठीक है इन्हीं पैराग्राफ को आपको देख करके जो है ना बना देना है ठीक है तो इन सभी का उत्तर में लिख दिया आगे दिखा दूंगा आपको आंसर ठीक है आप देखो इसके बाद ना और आ जाता है आठवा फिर आया इसमें दो नंबर का तो आपको आठवा बनाना है या फिर ऊपर का मैं ऊपर का ही बनाऊंगा तो आठवा का छोड़ देता हूं बस आपको दिखा दे रहा हूँ ठीक है तो किसी एक को ही बनाना है बोर्ड एग्जाम में आपको दर पर ही नहीं करना है कि दोनों को बनाया ठीक है तो ये पैराग्राफ ऊपर थोड़ा सा था और थोड़ा नीचे है तो इन्हीं में से ढूंढ करके आठवा में आप इन सभी का बना सकते हो ठीक है तो आप चाहो तो बना लेना

यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया इसको बनाओगे ना तो आपको टोटल दो मार्क्स मिल जाएगा ठीक है जैसे कि क्वेश्चन क्या पूछा व्हाट डज द पोएट से अबाउट द हाउस द ही वाज वर्नर ठीक है तो ये बनाना है एंड यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन दो नंबर वाला है क्वेश्चन नंबर ये दो है यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर दो है तो ये बनाओगे तो इसके लिए दो मार्क्स मिल जाएगा एंड यहाँ पर क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन भी देख लेना व्हाट व्हाट डज व्हाट डज ही से अबाउट द टाइटल विंडो ऑफ हीज हाउस ठीक है एंड आगे देखिए तीन नंबर क्वेश्चन क्या पूछा पूछा व्हाट डज ही विश तो यहाँ पर इसको बनाओगे तो दो मार्क्स मिलेगा ठीक है तो ये सभी बनाना है ठीक है चलिए आप देखिए इसी में ना बिना आठवा फिर दे दिया फिर इसमें आठवा दे दिया तो आपको क्या करना है आठवा वाला नहीं बनाना है ठीक है आप चाहो तो आठवा वाला बनाओ या ऊपर वाला बनाओ किसी एक कोई बनाना है तो आपने देखा ऊपर का यदि आप बनाओ या फिर आतवा का तो किसी एक कोई बनाना है अगर आपको मान लीजिए ये वाला नहीं आ रहा है उत्तर बनाने के लिए ये वाला नहीं आ रहा तो इसको छोड़ सकते हो ठीक है बट मैं ना इसी का उत्तर बनाया तो इसका मैं बताऊंगा लेकिन आपके ऊपर है जो आपको आएगा वही बनाना है ठीक है तो ये पैराग्राफ दिया गया इन सभी में से पढ़ करके आपको क्या करना तीन ही नंबर का ये क्वेश्चन है आपको इन सभी का इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना है ठीक है तो ये टोटल छः मार्क्स का है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मैं उत्तर भी बताऊँगा आगे आगे देखो चार नंबर ये क्वेश्चन और चार नंबर में आपको क्या करना है ज़्यादा कुछ नहीं करना है जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ये आप कह सकते हो पर ना टोटल पांच बना है टोटल दस क्वेश्चन दिया गया है इनमें से ना पांच बनाना है पांच बनाओगे तो दो मार्क्स हर एक क्वेश्चन पर मिलेगा टोटल इन देश फॉर लिविंग तो आपको ना बनाना है ठीक है तो मैं देखो आपको बता दू ना उस प्रश्न भी लिखा पर ए बी सी डी ई इन सभी प्रश्नों का उत्तर आगे बताऊंगा ठीक है तो ये सभी बनाना है आगे देख लीजिएगा ये वही है तो मैंने टोक बताया आपको सिर्फ

टीचर जैसे दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत पूछा जा सकता है दूसरा नंबर में पूछा गया है इसमें क्या क्या तो पूछा गया लेटर यानी कि आपको ना प्रिंसिपल को या फिर रिश्तेदार को हो उनको पत्र लिखना है लेटर ठीक है या फिर कुछ क्वेश्चन बुक से भी है तो आप बना सकते हो टोटल देखो ना इसमें से पहला प्रश्न ये दिया गया छह नंबर आप चाहो तो इसको बना दो तो आपको टोटल जो है ना पांच मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पर सात नंबर का बना दो तो टोटल पार्क पांच मार्क्स मिलेगा यहाँ पर आठ नंबर बना दो तो टोटल पांच मार्क्स तो मैं आपको बता दू छः सात आठ तभी तीनों प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा और भी आगे क्योंकि छह प्रश्न मिलता है तो देखो यहाँ पर छह मिला है, तो आप ना किसी भी तीन प्रश्नों को बना दो आपको तो टोटल कितना नंबर मिल, जाएगा, तो तो यहां पर देखना मिल जाएगा। तो आपको फटाफट बता देता हूँ ठीक है तो अब उत्तर पढ़ूंगा नहीं क्वेश्चन प्रश्न पहला का जो था रीडिंग था पढ़कर लिखना था पैसेज तो पहला प्रश्न का यहाँ पर उत्तर लिखा गया जैसे क्वेश्चन था बुद्धा क्या था टीचर था ठीक है दो नंबर क्वेश्चन था कि वेन एंड हैज बुद्धा यानि बुद्धा यानी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था तो हुआ था याद रखना ही ही वाज वाज इन इन द ईयर ठीक है यानी कि बुद्धा का जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म पांच सौ ईसवी में हुआ था और वो उनका जन्म प्रिंसेस में हुआ था जो कि अमेरिका में पड़ता है ठीक है अमेरिका चाइना में पड़ता है ठीक है चाइना में प्रिंसेस एक शहर पड़ता है आगे देखिए यहाँ पर तीन नंबर क्वेश्चन है तीन नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ

स्कूल पर आपको लिख देना ठीक है ठीके? तो स्कूल पर मैंने लिख दिया आप आप लोग को आप लोग को लोगों आता हो हो तो आराम से लिख लेना सकते यहाँ पर जो है ना निबंध कर सकते हो ठीक है तो यही एक प्रकार से होता तो ये लिखा होगा ठीक है इससे आपको फाइव मार्क्स मिलेगा आप देखो छह नंबर प्रश्न ये सब क्या था तो लॉन्ग क्वेश्चन था छह नंबर प्रश्न ये रहा एंड इसका उत्तर आप लोग नीचे में यहाँ पर देख सकते हो ठीक है आगे देख लीजिएगा ये रहा सात नंबर क्वेश्चन सात नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका ठीक है तो यहाँ पर भी इसका लिखना था तो इसे यहाँ पर लिख दिया गया ठीक है एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि जो शिक्षा विभाग है उनको लिखना था कुछ लेटर देखो तो ये लिख दिया गया आगे देख लीजिएगा यहाँ पर जो है ना आठ नंबर क्वेश्चन रहा आठ नंबर क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन जैसे पूछा है यू आर डॉली राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर टू इंक्रीज टाइम ऑफ द दूर लाइव हावर्स यानी कि जो है ना के टाइम में जो है थोड़ा सा बढ़ा देना था लाइब्रेली का जो पढ़ने का जगह रखता उसको थोड़ा बढ़ाना था उसके लिए प्रिंसिपल को था लिखना पटर तो यहाँ पर आपको लिख देना है टू द प्रिंसिपल एक्स वाई जेड जो आपका स्कूल का नाम होगा यहाँ पर काट करके आपको लिख देना है स्कूल का नाम ठीक है एंड यहाँ पर सब्जेक्ट जो है तो वहां से हम लिख दिया गया जैसे सब्जेक्ट है लाइब्रेली वर्किंग हावर्स अपू नाइन पी एम में यानी कि सुबह में नौ बजे से करना है ठीक है आगे देख लीजिए आगे देख लीजिएगा यहाँ पर रात में नौ बजे ठीक है पीएम जाएगा तो रात में नौ बजे ठीक है आगे देख लीजिएगा यहाँ पर इतना तक यहाँ तक लिखा गया इसमें कुछ चेंज नहीं करना जैसे रिस्पेक्टेड सर मैम आई ए स्टूडेंट आई ए स्टूडेंट स्टडिंग इन योर रिस्पेक्टेड स्कूल आई रोट दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू एक्सटेंडेड द वर्किंग टाइमिंग फॉर द राइबले हेज वी आर नॉट अवेलेबल टू रीड द राइबले बुक डू टू इट्स शॉर्ट टाइम एंड बिजी स्कूल शेड्यूल हॉप यू विल वेरी सोन कम फॉरवर्ड एंड टेक आउट द सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम तो ये जो प्रॉब्लम था यह लिख दिया गया आगे देखिए आपको क्या करना है आगे ना यहाँ पर योर है तो यहाँ पर आपका आपका जो नाम होगा नाम लिख देना यहाँ पर जो ना फेटरपुर लिखा गया तो यहाँ पर फेटरपुर में आप अपना जो है ना लिख सकते हो आप अपने नाम अपना यहां ना ना पर ना लिख देना डेट एंड टाइम ये सब लिख देना फेटरपुर के नीचे ठीक है तो ये मतलब धन्यवाद इसका मतलब ठीक है तो, तो यहाँ पर लिख देना और ज्यादा कुछ नहीं करना डेट वगैरह यहाँ लिख देना होगा काम खत्म रोल नंबर देना होगा तो यहाँ नाम देना फिर उसके बाद अपना रोल नंबर जो होगा वो दे देना और वर्ग जो है वर्ग लिख देना ठीक है तो चलिए मैंने आपको टोटल यहाँ पर इंग्लिश का सब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया मैडम बच्चों इसका पीडी वगैरह कहाँ मिलेगा तो आप लोगों को मैं बता दू इसका अपना टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा ठीक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए अगर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं काम करता है तो छह पर ना आप लोग सर क्लास टेंथ लिख करके भेज देना एंड उसके बाद मान लो टेलीग्राम का भी नहीं लिंक काम करता है जो तो चैनल का नाम दिख रहा है वो चैनल का नाम मिठुना स्टडी सेंटर टेलीग्राम पे सर्च करना उस पर जाओगे ना तो पांच प्लस स्टूडेंट मिलेगा उसे ज्वाइन कर लेना ठीक है एंड एंड उसी में आपको टेलीग्राम में सबसे पहले पी मिलेगा इसका वायरल पेपर का ठीक है एंड जो इंपॉर्टेंट नोट्स जो हज़ार चौबीस के लिए होगा वो सब आपको जो ना व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा तो वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन और प्रेस कर लेना और कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को भी लाइक कर लेना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय